विदिशा जिले में एक बार फिर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जी हां, यह एक चिटफंड कंपनी बेतवांचल इंडिया निधि लिमिटेड ने लोगों की मेहनत की कमाई पर चूना लगा दिया। दरअसल सैकड़ों लोगों ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस से गुहार लगाई थी। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिन लोगों का पैसा हड़पा गया है उन्हें उनके पैसे लौटाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह मामला केवल विदिशा तक सीमित नहीं है बल्कि कई अन्य जिलों में भी इस कंपनी के तार फैले हुए हैं। सिविल लाइन थाना अंतर्गत 2 दिन पहले इस धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जब करीब 2 दर्जन पीड़ित थाने पहुंचे और कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को मौके से ही गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा कार और हार्वेस्टर पुलिस ने जब्त किए हैं। ये पिछले दिनों कुछ ज्ञापन और आवेदन आए थे जिस संबंध में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। बाद में जब डिटेल जांच की गई तो उस प्रकरण में थोड़ा सा फैक्ट्स कुछ हटके आए, जो फरियादी था वही आरोपी निकला उसमें। उसके बाद एक और प्रकरण कुछ फरियादियों की रिपोर्ट और पंजीबद्ध किया गया है। बड़ी संख्या में इसमें फरियादी आके रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके आधार पे विभिन्न अपराधी पंजीयन किए जा रहे हैं, विवेचना की जा रही है। इस केस में ये पाया गया है कि विंध्याचल जो एक संस्था इन्होंने बनाई थी और इनका इस संस्था का जो रजिस्ट्रेशन था वो कहीं ग्वालियर से किसी कंपनी से उन्होंने लिया था, और उस इसमें इनको क्लियर कट इनके मैंडेट में लिखा हुआ था कि ये कोई बैंकिंग गतिविधि पब्लिक से नहीं करेंगे, ये अंडर कमेटी कुछ लोग की कमेटी बने और आपस में कुछ काम करें उसके लिए वो समिति बनी थी। इन्होंने इसको वायलेट करते हुए पब्लिक के साथ पब्लिक की FDs करना शुरू कर दिया, पब्लिक के जो पर डे पैसा जमा करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट को उसको शुरू कर दिया, लोन देना शुरू कर दिया, विभिन्न गतिविधियां शुरू कर दी। बड़ी मात्रा में इन्होंने एजेंट्स को ऑफर दिए कि उनको जो जमा कराएंगे उनमें 8%, 9%, 10% तक के वो उसको रिटर्न देंगे। तो इसके कारण बहुत सारे एजेंट्स जो है इसमें जुड़े और बड़ी संख्या में लोगों का पैसा इसमें इकट्ठा हुआ। अभी तक की जानकारी से जो इनका डाटा हमें मिला है उसमें 40 करोड़ रुपए की आवक इनके पास हुई है, और उसमें से कुछ की ऑल दो 3-4 महीने पहले तक लगातार इन्होंने लोगों के रिफंड किए हैं पैसे, तो कई सारे लोगों का पैसा तो रिफंड हो गया है। लेकिन पिछले 3 महीनों में जिनकी भी मैच्योरिटी हुई है उनके पैसे देने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कुछ पैसा जमा कर दिया, कुछ इन लोगों ने खा लिया है। तो इस प्रकार एक पूरा डिटेल इसमें जांच की जा रही है, इनका डिटेल डाटा हम लोगों को मिला उसका एनालिसिस किया जा रहा है। बहुत सारे इनके जो इनकी कंपनी पे जो ड्यूज हैं वो हम लोगों ने निकाले। अभी तक की स्थिति में लगभग 4.5 करोड़ रुपए पब्लिक का इनको देना शेष है, जो कि ये देने की स्थिति में नहीं थे जिस कारण से अपराध पंजीयन हुए हैं विभिन्न धाराओं में। इसमें फोर्जरी की धारा भी लगी है, इसमें फोर्ज डॉक्यूमेंट्स की धारा भी लगी है, इसमें मध्यप्रदेश निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा भी लगी है। इस धारा के तहत हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो इनकी ड्यूज हैं वो इनकी प्रॉपर्टीज से और इनके जो इनको जो मिलने वाली पैसा है उससे हम लोग पब्लिक को वापस कराएं। इसमें अभी तक 3 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ब्रजेश और नीलेश ये दोनों भाई हैं और गोरेलाल एक इनका एजेंट है। ये लोगों ने ब्रजेश नीलेश ने पहले अपने आप को एजेंट इसका डायरेक्टर बनाया था, उसके बाद धीरे से इन्होंने 2 अन्य लोगों को बना के अपने आप को हटा लिया था, लेकिन सारी गतिविधियों में ये लोग शामिल रहे हैं और शामिल पाए गए। अभी तक करीब 14-15 व्हीकल्स इन लोगों के पुलिस ने सीज करे हैं, एक आध बड़ी गाड़ी भी सीज करी है, कुछ इनके प्लॉट प्रॉपर्टीज की जानकारी है वो सब सीज कर रहे हैं। तो कुल मिला के बड़ी मात्रा में इन लोगों ने लोगों को फ्रॉड करके और प्रॉपर्टीज गेन करी हैं, सामान और पैसा गेन किया है। अब हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग कानूनी दायरे में रहकर जो पब्लिक है जो इनोसेंट पब्लिक है जिसका 4.5 करोड़ करीब ड्यूज है इनके, हम लोग कोशिश करेंगे वापस मिले और आरोपियों से कार्रवाई।